आपको बता दें बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एक होटल में आग लगी है। भीषण ये आग, हालांकि इन सब के बीच 10 लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनसे मिलने सीएम योगी पहुंचे हैं अस्पताल में और वहां पर उनसे उनका हाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं। वहां अभी ये सर्च किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई शख्स अंदर रह गया हो। संभावना भी जो लिस्ट के हिसाब से तय की जा रही है, देखी जा रही है कि ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है, अस्पताल में पहुंचाया गया है। 2 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, उनका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ जो घायल है वो भी अस्पताल में भर्ती है। तो ये आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया, क्योंकि प्राथमिकता अभी सिर्फ ये है कि जल्द से जल्द होटल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। 7:30 बजे ये आग लगी, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची, आग पर काबू किया गया। लेकिन आग के बाद जो धुआं वहां से निकल रहा था, उस धुएं की वजह से बहुत सारे लोगों का दम घुटा। 10 लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 2 लोगों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने के लिए, उनसे मिलते हुए बात करते हुए। और अब इस बात पर भी जांच आगे चलेगी कि आखिरकार यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे।